हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जो आपको मिलते हैं 12,000 से 15,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 12,000 से 15,000 रुपए के आसपास, मार्च 2022 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखना। डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन सही रहने वाला है। मैं मेरी तरफ से आपको पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन तगड़े स्मार्टफोन है। डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहता है, क्योंकि ये चीज आपको पता है भाई कि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। किसी को कैमरा ओरिएंटेड फोन लग सकता है, किसी को गेमिंग करनी होती है, किसी को नॉन चाइनीज फोन लेना होता है। हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर व्यक्ति के लिए अलग स्मार्टफोन होता है। पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, डिसाइड करना कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही बैठने वाला है। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन की। अगर आपको नॉन चाइनीज फोन लेना है, सॉलिड ऑप्शन आपके पास में है माइक्रोमैक्स इन नोट 2। ये वाला जो स्मार्टफोन है, धमाका किया गया है माइक्रोमैक्स की तरफ से। फुल ग्लास बिल्ड पर आता है, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक पूरी तरीके से ग्लास बिल्ड मिलता है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। 6.43 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। सेंटर पंचोल वाला एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। हालांकि 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन एमोलेड पैनल इस प्राइस सेगमेंट में मिलना बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले क्वालिटी सही यहां पर आपको मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट आपको मिलता है, गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है। डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की अगर बात करें तो 4 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 48+5+2+2 मेगापिक्सल्स के 4 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों इस फोन के डिसेंट निकल के आते हैं। बैटरी की अगर बात करें, 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी यहां पर आपको मिलती है। 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है, एंड उसी के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड इस फोन का 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको मिलता है मात्र 13,499 रुपए में। तो 13,500 के प्राइस पॉइंट पर माइक्रोमैक्स इन नोट 2 नॉन चाइनीज ऑप्शन के लिए बेस्ट है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे चलते भाई, बात करते हैं गेमिंग करने वालों की। अगर आपको सॉलिड गेमिंग करनी है, इन्फिनिक्स नोट 11S एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है भाई, मैंने पर्सनली यूज किया है, सॉलिड स्मार्टफोन है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.9 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी गेमिंग के लिए बहुत सॉलिड है, कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छी है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हीलियो G96 का चिपसेट आपको मिलता है, डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है, गेमिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, तो परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 50+2+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा है, कैमरा आउटपुट भी इस फोन के काफी अच्छे हैं, कैमरा मॉड्यूल से भी आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी यहां पर आपको मिलती है, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, एंड सबसे अच्छी बात, इस फोन का 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 13,999 रुपए में। तो सॉलिड गेमिंग अगर आपको करनी है, इन्फिनिक्स नोट 11S की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जिनको अपने फोन में ब्लूटवेयर पसंद नहीं है, जिनको एड्स पसंद नहीं है, जिनको यूआई पसंद नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं, मोटोरोला G51 आप परचेस कर सकते हैं। बढ़िया स्मार्टफोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। 6.8 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, एंड अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, एंड गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है।
कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ आपको मिलता है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर मिलता है। तीन कैमरास पीछे की तरफ है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों इस फोन के अच्छे निकल के आते हैं। हाँ, लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। बैटरी की अगर बात करें, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। 20 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है। 20 वॉट का टर्बो चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5 mm जैक दिया गया है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड इस फोन का 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 14,999 में। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन लेना है, 15,000 के आसपास आपका बजट है, मोटो G51 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं एक अल्टीमेट 4G ऑलराउंडर फोन के बारे में। अगर आपको एक ऐसा फोन लेना है जहां पर आपको 5G की जरूरत नहीं है लेकिन ऑलराउंडर फोन होना चाहिए, Xiaomi की तरफ से आने वाले Redmi Note 11 को आप परचेस कर सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन है, 6.43 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन है, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले एंड सुपर एमोलेड पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है, ये काफी अच्छी बात है। एंड उसी के साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको बहुत अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट यहाँ पर दिया गया है। एनर्जी एफिशिएंट है, डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देता है, गेमिंग भी आपको डिसेंट करा देता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो चार कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। 50+8+2+2 मेगापिक्सल्स के चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों बढ़िया है, बिल्कुल शिकायत आपको कैमरा में नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड इस फोन का 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 14,499 रुपीस में, 14,500 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। अगर आपको एक अल्टीमेट 4G ऑलराउंडर फोन लेना है, Redmi Note 11 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। एंड लास्ट में बात करते हैं एक अल्टीमेट 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में। एंड यहां पर मैंने कंसीडर किया है Vivo की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किए गए Vivo T1 5G को। बढ़िया स्मार्टफोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, 6.58 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन है, वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, IPS LCD पैनल मिलता है, लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिल जाती है, हालांकि वाटर ड्रॉप है लेकिन काम चल जाता है भाई। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देगा प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एंड गेमिंग भी आपको बहुत अच्छी करा देगा, परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। 50+2+2 मेगापिक्सल्स के तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल कैमरा आउटपुट दोनों बढ़िया है, ऑप्टिमाइजेशन भी डिसेंट यहां पर आपको मिलता है। कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की अगर बात करें, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो बैटरी मॉड्यूल लिटिल सा वीक है भाई, चार्जिंग जो है उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन डिसेंट बैटरी मॉड्यूल आपको मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड इस फोन का 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको जनरली मिलता है 15,990 रुपए में, लेकिन अभी सेल चल रही है, इस फोन को आप 14,990 रुपए में खरीद सकते हैं। एंड अगर इस फोन को आप नहीं खरीद पाते इस प्राइस पॉइंट पर, तो iQOO की तरफ से Z6 लॉन्च होने वाला है, जो कि एग्जैक्टली यही स्मार्टफोन होने वाला है एंड वो स्मार्टफोन आपको 15,000 के अंदर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको एक अल्टीमेट 5G ऑलराउंडर फोन लेना है, अगर अभी तक iQOO Z6 लॉन्च नहीं हुआ है तो Vivo T1 5G आप परचेस कर सकते हैं। जब iQOO Z6 लॉन्च हो जाएगा तो iQOO Z6 आप परचेस कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 12,000 से 15,000 वाले प्राइस सेगमेंट में और मार्च 2022 के महीने में आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए बहुत तगड़े ऑप्शन हो सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना आप पसंद करेंगे या फिर इसके अलावा किसी और स्मार्टफोन को परचेस करना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।